हेलो फ्रेंड्स, मैं वत्सली, आपका अद्भुत लर्निंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने फिर कुछ नया लेकर आई हूँ और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग। रीजनिंग में मैं आपको पढ़ाऊंगी डाइस। डाइस मीन्स पासा। ये काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम मेन बात पे चलते हैं, अपने मेन टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक क्या है? डाइस। डाइस मीन्स पासा। वैसे लूडो वूडो में हम लोग डाइस छोटे से ही खेलना शुरू कर देते हैं, पासे का गेम। हाँ, लूडो में और सबको बहुत अच्छे से छोटे से ही एज में जाने लगते हैं भाई पासा क्या है, डाइस कैसे होता है, कैसे वर्क। बट लेकिन यहाँ डाइस के क्वेश्चन कैसे आते हैं, है ना, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करें, उसकी कुछ ट्रिक बताएंगे, कुछ टाइप बताएंगे। चलिए कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सबसे पहले डाइस। डाइस एक 3D ऑब्जेक्ट है। 3D ऑब्जेक्ट क्यों है? 2D ऑब्जेक्ट जिसका सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट इस टाइप का होगा, किसी फ्रंट एंड बैक की बात करना। लेकिन 3D ऑब्जेक्ट जिसका पूरा, जिसमें वर्टेक्स भी हो हमारा, ठीक है, फ्रंट बैक सारी मतलब चारों तरफ से हो, जैसे बॉक्स है, इस तरह के जो फिगर होते हैं वो हमारे 3D में आते हैं। तो ये एक तरह का 3D ऑब्जेक्ट होता है, बिकॉज ऑफ इसमें 6 सरफेस होते हैं, इसीलिए इसको 3D ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब जैसे इस मैंने एक डाइस का एग्जाम बनाया, इस तरह का डाइस फिगर होता है, बाकी के नंबर इसके पीछे होंगे, 6 सरफेस होते हैं, 3 सरफेस आपको दिखता है और 3 सरफेस इसके बैक में। इसमें हमेशा याद रखिएगा कि फ्रंट का अपोजिट बैक होगा या बैक का फ्रंट होगा, दोनों में से एक दूसरे के कुछ भी हो सकते हैं। टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। तो ये चीज दिमाग में रखनी है कि कौन किसका अपोजिट होता है, ठीक है। अब डाइस में क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं? जो फिगर इस तरह, फिगर यही रहेगी, इसमें नंबर भी हो सकता है, नंबर की जगह डॉट बनाओ, 3 की जगह 3 डॉट लिखे हो, 6 की जगह 6 डॉट लिखे, या कलर लिख के आ सकते हैं, रेड पिंक येलो, फिगर बन के आ सकते हैं, प्लस माइनस सिंबल एट द रेट, इस तरह का अल्फाबेट ABCD इस तरह लिख के आ सकते हैं। तो प्रोसेस वही होगी, मेथड वही होगी जो मैं बताऊंगी आपको। डाइस अब दो तरह से होते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं, एक जनरल फॉर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म अगर क्वेश्चन नंबर या डॉट में है, नंबर लिखा हुआ है या डॉट है, तो वो स्टैंडर्ड ही फॉर्म है। जनरल फॉर्म में नंबर डॉट के अलावा कलर फिगर सिंबल सब आता है, अगर ये सब है तो हम देखते कहते हैं कि जनरल फॉर्म है। नंबर डॉट भी है तो इसके पहचानने का एक तरीका होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए कैसे पहचानेंगे, ये 6 लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है हमारी, वो लूडो को फॉलो करती है, लूडो को फॉलो करती है। लूडो को फॉलो करने का मतलब क्या हो गया हमारा? लूडो में फिक्स है कि 1 का अपोजिट 6 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा, 3 का अपोजिट 4 होगा। अगर कोई डाइस लूडो का रूल फॉलो कर रही है तो उसमें अपोजिट फिक्स है, आपको निकालने की जरूरत नहीं होगी, सीधे 1 2 3, फिर अपोजिट में 4 5 6, आप सीधे बता दो कि 1 का 6 है या 6 का 1, 2 का 5, 5 का 2, 3 का 4, 4 का 3, सीधे बता। बट हम पहचानेंगे कैसे कि लूडो फॉलो कर रहा है, ये कैसे हम पहचानेंगे? तो उसकी देखिए ट्रिक क्या होती है। कोई डाइस लूडो का फॉलो करती है, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है अपोजिट के साथ, 6 1 7 2 5 7 3 4, इन सब का सम क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। मतलब हम इनके अपोजिट को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। इट मींस जो हमें डाइस गिवन है, तो इसका मतलब क्या है कि अपोजिट इसमें नहीं गिवन होंगे तो फिर इनका सम 7 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपोजिट का सम क्या है? 7 है, और फिगर में अपोजिट नहीं गिवन है, जिसका मतलब यहाँ पे 7 नहीं आना चाहिए। तो ये चीज याद रख लीजिए आप कि अपोजिट डू नॉट शो इफ गॉड स्टैंडर्ड। अपोजिट मतलब अपोजिट अगर ना दिख रहा हो तो वो स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। इसमें इनका सम 7 नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब पता चल जाएगा, लूडो फॉलो कर देगी। एडजेसेंट साइड का मतलब जो लगातार साइड है उनका सम, लगातार साइडों का सम, 6 2 8 नहीं आया, 3 2 5 नहीं आया, 6 3 9 नहीं, 7 नहीं आया, इसका मतलब इनके अपोजिट साइड गिवन नहीं है। तो 6 का 1 2 का 5 3 का 4, अगर 7 आ जाता मतलब अपोजिट साइड गिवन है, तो ये रूल नहीं लग पाता, ठीक है। तो इतनी चीज क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई आपको बताइए, कि एडजेसेंट साइड का सम 7 नहीं आ रहा है, इट मींस इनके अपोजिट गिवन नहीं है, ये लूडो फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर एडजेसेंट साइड
इट्स कॉल्ड अ जनरल साइज. डेफिनेशन से मतलब इधर अब देखिए जैसे 5 2 7 2 1 3 5 6 6 एक बार भी 7 आ गया, 7 आ गया इसका मतलब अपोजिट गिवन है. देखिए 2 5 गिवन हो गया कि नहीं गिवन हो गया, तो अपोजिट गिवन है. तो इस केस में ये जनरल फॉर्म है. तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या देखना होगा कि सम 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अगर सम 7 नहीं आ रहा है इसका मतलब ये लूडो फॉलो कर रहा है, तो ये अपोजिट होते हैं. और अगर सम 7 आ रहा है तो इसके तरीके फिर अलग होते हैं. अब हम मेन चलते हैं क्वेश्चंस के टाइप पर. तो इसमें दो तरह के टाइप होते हैं, एक फाइंड करना आता है अपोजिट और एक ओपन फिगर. तो पहले मैं टाइप 1 डिस्कस करूंगी, तो फाइंड अपोजिट सरफेस. तो इसमें तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं, तीनों तरह के हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर से रिपीट आप प्रैक्टिस करें. पहला टाइप, पहला देखिए क्या 1 2 3 4 5 6 आपको सिंपल फिगर दे देंगे और कह देंगे फाइंड अपोजिट. ठीक है, फाइंड अपोजिट करना है. इस टाइप को स्टैंडर्ड बोलते हैं, स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चंस. ठीक है, इसको हम स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन बोलते हैं, या ये भी कह सकते हैं स्टैंडर्डाइजेशन. ओके, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा, पहला रूल हमारा क्या है, फर्स्ट रूल कि हमें 7 चेक करना है, 7 चेक करना है, 7 सम 7 है कि नहीं है, बिलोंग है कि नहीं है. तो सबसे पहले हम 7 चेक करते हैं. 3 1 4 3 2 5 2 1 3 7 नहीं है, यहां 7 नहीं आया. यहां देखते हैं 5 4 9 6 4 10 6 5 11 7 नहीं आया. 7 नहीं आया तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्म हुई, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वेश्चन है, स्टैंडर्डाइजेशन. तो अब जब 7 नहीं आया तो इसका मतलब इसमें अपोजिट साथ में गिवन नहीं है. 7 नहीं है तो अपोजिट नहीं गिवन, तो ये लूडो का रूल फॉलो करेगा. तो लूडो का रूल फॉलो करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 का 1 2 3 फिर अपोजिट 4 5 6 अब किसी का भी अपोजिट पूछ ले, 1 का पूछ ले तो 6 लिखेंगे, 2 का पूछ ले 5, 3 का पूछ ले 4, 5 का पूछ ले 2, 6 का पूछ ले 1, 4 का पूछ ले 3. किसी का भी पूछेंगे तो ये मान लो 3 का पूछ लिया तो 4. समझे, मतलब पहला रूल क्या कहता है हमारा, पहला टाइप कि हमें 7 चेक करना है, तो 7 हमने चेक किया, 7 नहीं आया तो वो लूडो फॉलो करेगा तुरंत, इसी को चेक किया और कुछ नहीं सोचना है. ठीक है, सेकेंड टाइप क्या आता है, सर्कुलर मोशन इसे बोले, तो हम इसको बोलना चाहे तो ये बोल सकते हैं कि सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन है. कैसे कि देखिए इन दोनों डाइस में अलग अलग नंबर थे, ठीक, इसमें देखिए कोई नंबर कॉमन होगा, जैसे 3 और 3 कॉमन है ना. इस तरह के क्वेश्चन हमेशा इसी में आते हैं जनरल, क्योंकि देखिए 4 3 7 आ रहा है, 7 आ रहा है मतलब लूडो फॉलो हमारा नहीं होगा. ठीक है, लूडो फॉलो नहीं कर. अब सर्कुलर मोशन का ट्रिक क्या होता है, जो कॉमन जो दोनों में है वहीं से हम चक्कर चला दें, मतलब क्लॉकवाइज घूम जाए, टिक 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 घूम गए. तो क्या हो गया, 3 2 1 क्या हुआ, 3 2 1 अब यहां 3 है तो फिर इधर से घूम गए ऐसे 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 क्लॉकवाइज, तो 3 4 5 3 4 5 हो गया. अब देखिए 1 2 3 4 5 6 नहीं, मतलब यहां पे क्या होगा, 6. अब अपोजिट 2 का पूछेंगे तो 4, 1 का पूछेंगे तो 5, 3 का पूछेंगे, मान लीजिए 3 का अपोजिट पूछा है तो 6. किसी का भी पूछ ले, देखिए यहाँ लूडो फॉर्म नहीं हुई, 2 का वैसे 5 होता है लूडो, लेकिन यहाँ नहीं हुआ इसलिए क्योंकि लूडो फॉर्म नहीं हो रहा है, यहाँ 4 3 7 आ रहा है, तो जनरल टाइप का क्वेश्चन है. सिर्फ जहां पे लूडो 7 नहीं आता है वहीं पे ये आपको बस ध्यान रखना, अगर 7 आ रहा है तो आप अब इसमें एक फिगर कॉमन है, अगर कॉमन फिगर है तो आप क्लॉकवाइज घुमाइए, उसी सीक्वेंस में लिखिए और लेफ्ट नंबर को लिख दीजिए, जिसका भी पूछे वो आपका हो जाए. क्लियर, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन. ठीक है, अब इसमें देखिए क्या, फिर भाई हमें देखना है कि 7 है कि नहीं है, आई बात समझ में. अब इसमें देखिए हमारे कॉमन क्वेश्चन पहला क्या है, सारे अलग नंबर हो, 7 है कि नहीं है, 6 7 आ रहा है, मतलब ये हमारा नूडल फॉलो नहीं करेगा. कॉमन नंबर 3 और 3, यहां 2 कॉमन नंबर, ये एक तरह से 2 कॉमन सरफेस के लिए क्वेश्चन है, 2 कॉमन सरफेस, इसमें 2 कॉमन सरफेस क्या है, ये है 2 कॉमन सरफेस, तो बचा हुआ नंबर क्या होगा, वही अपोजिट होगा, मालूम पूछ ले इसमें 6 का अपोजिट नंबर क्या है, तो 1 3 1 3 तो हम लिख लिए 6 1 3 और 5, तो 1 3 1 3 तो कट गया 6 5, तो 6 सॉरी 5 4
बचा होता है वही हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो इस तीन टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो रूल फॉलो करेगा, या तो एक कॉमन सरफेस होगा, या तो दो कॉमन सरफेस। ओके, मान लीजिए इसी में हम लिख के भेज दे कलर, मान लीजिए कलर है। हाँ, एक आध एग्जाम्पल में और डिस्कस करती हूँ, रफ कर देती। मान लीजिए कलर रेड, येलो, ग्रीन, पर्पल, ब्लू, रेड। अब देखिए कलर के क्वेश्चन हमेशा जनरल में आते हैं, मैं बोल चुकी हूँ, तो इसमें सेवन तो आप ऐसे भी नहीं प्लस कर सकते, ठीक है। अब देखो कॉमन क्या है, तो रेड और रेड दोनों में कॉमन है, तो हमने क्या लिख लिया रेड। अब रेड से घुमाओ ऐसे 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 ऐसे, रेड येलो ग्रीन, रेड येलो ग्रीन। अब रेड से घुमाओ क्लॉकवाइज, घड़ी देख लिया अगर ना तो क्लॉकवाइज, रेड पर्पल ब्लू, रेड पर्पल ब्लू। अब पूछ लिया ग्रीन का अपोजिट क्या है, ग्रीन का अपोजिट क्या दिख रहा है, ब्लू। ओके, मान लो एग्जाम में आ जाए ब्राउन का अपोजिट क्या है, बच्चे कहेंगे क्वेश्चन गलत आया है सर, दोनों डाइस में ब्राउन कलर ही नहीं है। गलत नहीं है, इसके तीन सरफेस छुपे होते हैं ना, तो उन तीन सरफेस में कोई ब्राउन कहीं हो सकता है, इसका मतलब यहाँ रेड की जगह पे हम क्या लिख देंगे, ब्राउन। अब एग्जाम में आ जाता है ब्राउन का अपोजिट बताओ, या अदरवाइज कोई भी कलर आ जाता है, व्हाइट, ब्राउन, ब्लैक, कोई भी, तो इसका मतलब वो जो एक कॉमन है उसकी जगह पर हो जाए, ठीक है। तो इस तरह हम किसी अगर कलर लिख के आया है तो भी आप इस तरह कर सकते हो। एक और मान लीजिए पर्पल की जगह यहाँ ग्रीन, इसका मतलब दो कलर कॉमन है, दो कलर कॉमन है, नोट डाउन कर लीजिएगा, रिवाइंड करके देख लीजिएगा, दो कलर कॉमन है तो बचा क्या है, येलो ब्लू, मतलब येलो और ब्लू आपस में क्या है, अपोजिट है। क्लियर हुई बात, मतलब अपोजिट फाइंड करने के तीन तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, थ्री टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर हुई बात, एक सम सेवन हो गया तो लूडो फॉलो कर लो, एक कॉमन सरफेस हो तो क्लॉकवाइज घुमा के कर लो, दो कॉमन सरफेस हो तो कॉमन वाला, ये तीन टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करें, ये इसका दूसरा टाइप पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो सेकंड टाइप हमारा क्या कहता है, सेकंड टाइप पे आते हैं, अभी नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकेंड टाइप है हमारा ओपन डाइस, टाइप टू क्या है, ओपन डाइस। अगर डाइस खुला हुआ आ रहा है, डाइस अगर पूरा खुला है तो क्या करेंगे, देखिए इस तरह से एग्जांपल देती हूं मैं, आप पहले आपको तरीका बता रहे हैं। मान लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह का आ गया है, ठीक है। अब इसमें आप कैसे बताएंगे, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि इसमें कौन किसका अपोजिट होगा, ठीक है। तो इसका रूल ये कहता है कि अल्टरनेट, जो अल्टरनेट नंबर है वो एक दूसरे के अपोजिट है। अल्टरनेट कहने का मतलब एक एक छोड़ छोड़ के, एक एक छोड़ छोड़ के, मतलब टू थ्री को छोड़ के फोर का, ठीक है, टू थ्री को छोड़ के फोर का, थ्री फोर को छोड़ के फाइव को, ये दोनों इनके इस तरह को, तो अपोजिट को एक साथ में होना नहीं चाहिए, मैंने यही तो बोला है आपको, अपोजिट साथ में नहीं होते इस तरह के क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं की तरह हम करते हैं। तो अब इसमें जो ऑप्शंस गिवन होंगे उसमें आपको देखना होगा कि अपोजिट साथ साथ में ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए फोर ब्लॉक है, ये गिवन है, ठीक है। अब इसमें हमें ये देखना है कि कौन है कौन नहीं है, तीन चार पांच है, बाकी क्या है,
नंबर बहुत ध्यान से लिखने होते हैं बेटा, मैं गड़बड़ा जाता हूँ। अब चेक करिए कि अपोजिट एक साथ ना, पहले अपोजिट लिख लीजिए, दो का क्या होगा, छोड़ के एक चार, तीन एक छोड़ के पांच और एक का छह, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, ठीक है। अब देखिए क्या है इसमें, अपोजिट साथ ना चेक करते हैं, तीन, तीन का क्या है पांच, यहाँ पांच है नहीं है, मतलब ये नंबर सही है। दो, दो का क्या है चार, दो चार दोनों साथ दे देंगे, अपोजिट साथ नहीं होने चाहिए, मतलब ये फिगर हमारी रॉन्ग हो गई। अब चार, चार का अपोजिट क्या है दो, नहीं गिवन है, मतलब ये नंबर सही है। तीन, तीन का अपोजिट पांच, दोनों गिवन है, मतलब अपोजिट साथ नहीं होने चाहिए, गलत बनेगी फिगर। अब यहाँ पे देखिए एक, एक का अपोजिट है छह, छह नहीं गिवन है, मतलब ये नंबर सही है। तीन का अपोजिट है पांच, पांच नहीं गिवन है, मतलब ये नंबर सही है। चार का अपोजिट है दो, दो नहीं गिवन है, मतलब इसके सारे नंबर के अपोजिट नहीं गिवन है, मतलब ये फिगर हमारी आंसर ये होगा। चेक करना चाहिए भी, क्या कर लीजिए, एक का छह और एक छह दोनों गिवन है, तो ये भी नहीं, मतलब अपोजिट साथ में ना। मेरा आपको देखना है इसका डाइस कैसे होगा, एक नंबर छोड़ के दो का, तीन छोड़ के चार, तीन चार छोड़ के पांच, बच हो गए, ओपन डाइस में ये होता है, ये तरीका होता है। एक और एग्जांपल दे दें, ठीक है, मान लीजिए अल्फाबेट लिख क्या है, नहीं मैं इसी में चेंज कर देती हूँ, मान लीजिए ऐसे आ रहा है ए बी सी डी ई एफ, फिर वही तरीका होगा, छोड़ के बी सी छोड़ के डी का होगा, सी डी छोड़ के एफ का होगा, डी छोड़ के ई का होगा, और ये दोनों जो अलग होते हैं वो एक दूसरे के हो गए अपोजिट। अब आपको ऑप्शन में मान लीजिए दिया गया, क्वेश्चन मान लीजिए दिया गया, अब फिर चेक करिए ई, ई का अपोजिट क्या है सी, यहां नहीं दिया गया मतलब ये नंबर सही, बी का अपोजिट क्या है डी, दोनों दे देंगे मतलब ये गलत, ए का अपोजिट क्या है एफ, एफ दिया गया मतलब ये भी फिगर गलत, बी का अपोजिट क्या है डी, नहीं दिया है मतलब ये नंबर सही, सी का अपोजिट क्या है ई, दिया गया तो ये भी फिगर गलत। अब बचाइए चेक कर लेते हैं, डी का अपोजिट क्या है बी, नहीं दिया मतलब ये नंबर सही, एफ का अपोजिट क्या है ए, ये भी सही, सी का अपोजिट क्या है ई, तीनों के अपोजिट नहीं दिए, इसका मतलब हमारा आंसर ये फिगर। समझ आएगा, इसका मतलब कि हमें अल्टरनेट जो हमारे होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, आएगा समझ में, जो अल्टरनेट है तो उनको आप एक जगह लिख लीजिए, चेक कर लीजिए, अगर साथ में जो गिवन होंगे तुरंत काट दीजिए, जो नहीं गिवन होंगे वो, कि हमारे दो टाइप के क्वेश्चन आए, एक फाइंड द अपोजिट, एक ओपन डाइस को डाइस के फॉर्म में करना, क्लियर हुआ ना। एक आध और क्वेश्चन डिस्कस कर लें, एक आध और कर लेते हैं, चलिए इसको रफ कर देते हैं, डिस्कस करते हैं, दोनों टाइप के मिला करके करते हैं, देखते हैं, ठीक है, दोनों टाइप के मिलाते हैं और करते हैं। आप तो सोच रहे होंगे अभी तक तो मैंने दो टाइम्स बताया, मैम ने तो चार टाइम्स लिख दी, तो चीटिंग कर रही है क्या, लेकिन देखिए इसका मैं तरीका बता दूं ना, एग्जाम में किस तरह के आते हैं, तो नंबर लिखते हैं हम छह तीन दो, ठीक है, फिर हमारा है छह दो चार, फिर क्या है पांच छह चार, फिर क्या है एक चार दो। अब बताइए, अब इसमें कह दिया है कि अपोजिट फाइंड करना है मुझे सिक्स का, तो मैंने क्या कहा था, देखो चार गिवन हो, तीन गिवन हो, दो गिवन हो, पांच गिवन हो, उससे मतलब नहीं, सबसे पहले हमें देखना लूडो रूल, उसके बाद कॉमन रूल, तो पहले हम लूडो रूल देखेंगे, लूडो रूल क्या कहता है, सम सेवन नहीं आना चाहिए, तो अब यहाँ देखिए छह दो आठ, तीन दो पांच, छह तीन नौ, सम सेवन नहीं आया, छह चार दस, चार दो छह, छह दो आठ, सम सेवन नहीं आया, छह चार दस, पांच चार छह, पांच ग्यारह, पांच चार नौ, चार दो छह, चार एक पांच, मतलब सेवन यहाँ नहीं है, इट मीन्स ये क्या फॉलो कर रहा है, लूडो फॉलो कर रहा है,
ये होता है, अब आपको देखने छह का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक। पांच का पूछ ले तो दो, चार का पूछ ले तो तीन, तीन का पूछ ले तो चार, कुछ भी पूछ ले। सम सेवन नहीं आया है, चाहे जितने फिगर की वैल्यू आपको उसमें देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सम सेवन नहीं आया गूगल रूल ये होगा और सीधे हम आंसर निकालेंगे, फिगर में चाहे जो भी उससे मतलब नहीं होता। आई बात समझ में क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये हमारा हुआ। इसी में मान लीजिए, तो मान लीजिए आपको ये गिवन है, क्वेश्चन लिख देते हैं, पांच चार छह, दो एक तीन, दो एक, दो एक चार, फिर है तीन छह पांच, तीन छह पांच, फिर है चार दो पांच, चार दो पांच, फिर चेक करिए सेवन। देखिए इसमें दिख रहा है कॉमन ही फिगर दिख रहा है, तो सेट करने का कॉमन नहीं, कॉमन दिख रहा है। अब चक्र चला दीजिए, इन दोनों को देखेंगे, चार पांच छह, इधर से चक्र चल लिया, चार एक दो, अब एक दो तीन नहीं, चार पांच छह, तो मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, किसका अपोजिट बताना है, चाहे पांच का, छह का, चार का, आप बता दो। अगर आप इन दोनों फिगर को लेते हो तो भी ऐसे ही होता, पांच पांच कॉमन, चक्र ऐसे चलाया क्लॉकवाइज, पांच छह तीन, पांच दो चार, अब एक नंबर नहीं मतलब पांच का है, देखिए अपोजिट सेम दिख लिया, पांच का एक, छह का दो, तीन, मतलब चार फिगर होने पे भी आपको डाउट नहीं होना है, कोई दो लेके आप कर सकते हैं, आप किसी का भी अपोजिट निकाले तो निकाल सकते हैं। ये कुछ मैंने एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाया है, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको निकालूंगा। थैंक यू।